लॉकडाउन में राजस्थान के कोटा में कोचिंग करने गए प्रदेश के 7000 से अधिक छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश वापस लाने के सीएम योगी आदित्यनाथ के कदम की मायावती ने जमकर सराहना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से 200 से अधिक बस राजस्थान के कोटा भेजी। आगरा, जालौन तथा झांसी से इन बसों को कोटा भेजा गया, जिनमें मास्क के साथ सैनिटाइजर भी है। इसके साथ ही चालक तथा कंडक्टर को साफ निर्देश है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए बच्चों को बस में बैठाया जाए। इन बसों में प्रदेश के सभी 75 जिलों के छात्र छात्राओं को लाया जा रहा है। इन सभी के शनिवार रात या रविवार सुबह तक लखनऊ तथा अन्य जिलों में पहुँचने की संभावना है। कोटा में फंसे छात्रों को लेने काशगंज डिपो के 4 बसें कोटा पहुंची। 2 बसों में बरेली, एक में पीलीभीत, शाहजहानपुर, बदायूं के छात्र आएंगे। बीएसपी मुखिया मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कदम की सराहना करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कोचिंग पढ़ने वाले लगभग 7500 बच्चों को लॉकडाउन से निकालने व उन्हें सुरक्षित घरों तक भेजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी बसें कोटा राजस्थान भेजी। यह स्वागत योग्य कदम है। बीएसपी इसकी सराहना भी करती है। उन्होंने यह भी कहा, लेकिन सरकार से यह भी आग्रह है कि वह ऐसी चिंता यहाँ के उन लाखों गरीब प्रवासी मजदूर परिवारों के लिए भी जरूरी दिखाए, जिन्हें अभी तक भी उनके घर से दूर नर के जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। कोरोना आपदा में राजनीति से बढ़कर देश का हित है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुँचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।